दिनांक 28-29 जून को हजारीबाग जिला अंतर्गत टाटीजरिया थाना के क्षेत्र में एक एटीएम को गैस कटर से काट के उसमें से 37 लाख रुपए की चोरी की गई थी। और इसमें शामिल जो गैंग है वो पूरा गैंग गिरफ्तार हुआ है और चोरी किए हुए लगभग 16 लाख हम लोगों ने बरामद भी किए हैं। डीएसपी विष्णुगढ़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और इस टीम ने पूरी घटना का उद्भेदन करते हुए इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में जो प्रयुक्त किए गए गाड़ी हैं, इसका जो गैस कटर है, इसका मोबाइल है, वो भी बरामद हुए हैं। इसके उपरांत अलग अलग राज्य के रहने वाले ये सभी लोग थे, उत्तर प्रदेश में मथुरा और बिहार के सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना और हजारीबाग जिला के रहने वाले सभी अपराधकर्मी थे। और ये सभी लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। सभी लोग पहले तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, पटना जेल में बंद रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग अलग जेल में बंद रहे हैं और जेल में रहने के दौरान ही इन लोगों की मुलाकात हुई थी और इसी क्रम में इन लोगों ने एक ग्रुप तैयार किया था और उसी ग्रुप ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोगों के लिए और हमारी पूरी टीम ने इसमें मेहनत करते हुए अलग अलग राज्यों में उसका निगरानी करते हुए, उसकी छापेमारी करते हुए पूरी सूचना एकत्र की है और आगे कोई फ्यूचर में दोबारा कोई घटना करे उससे पहले पूरी गैंग को पकड़ लिया गया है। निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।